सिंगर कनिका कपूर के फैंस के लिए गुड न्यूज है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 20 मार्च को लखनऊ के पीजेएम अस्पताल में भर्ती हुई कनिका कपूर अब पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। कनिका की लगातार दूसरी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है, इसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि घर लौटने के बाद भी कनिका को सतर्कता बरतने को कहा गया है। डॉक्टर्स की सलाह पर कनिका कपूर को अपने घर में 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। बता दें कि कनिका कपूर की लगातार कई रिपोर्ट्स कोरोना पॉजिटिव आई थी, इसके बाद उनके परिवार वाले काफी परेशान हो गए थे। हालांकि डॉक्टर्स का कहना था कि कनिका एकदम ठीक है, उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। 5वीं के बाद कनिका कपूर की अब 6ठी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कई दिनों से अस्पताल में आइसोलेशन में रहते हुए कनिका अपनी फैमिली और बच्चों को काफी मिस कर रही थी। वे अपने परिवार और बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए बात किया करती थी। कनिका के घर लौटने पर ही परिवार वालों ने राहत की सांस ली। बता दें कनिका कपूर के जब कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी तो सभी सकते में आ गए थे। कनिका पर आरोप था कि वे विदेश से लौटने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर बिना जांच कराए वहां से भाग निकली थी। उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था, उन पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगे। जब कनिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो सिंगर का कहना था कि डॉक्टर्स उन्हें धमका रहे थे। वहीं डॉक्टर्स का कहना था कि कनिका इलाज में सहयोग नहीं कर रही है। हालांकि तमाम विवादों के बीच अब कनिका ने कोरोना से जंग जीत ली है। इसी तरह की न्यूज देखने के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।